जय हिंद साथियों। साथियों आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल करने वाले हैं और आप फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करना नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आपको जो है फोटो की साइज क्या रखना है। जो यहां आपको फॉर्म में बताया गया है कि आपकी फ़ोटो की साइज 30 KB से 70 KB के बीच में आपको अपलोड करना है, वह भी आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आपको फ़ोटो अपनी अपलोड करना है, यहाँ पर सारा चीज़ बताया गया है। जो लास्ट वाली यहाँ फ़ोटो दिखाई दे रही है आपको यही फोटो अपलोड करना है कुछ इसी प्रकार से। तो इसका जो है सिंपल आपको कैसे बनाना है, इसे रिसाइज कैसे करना है और आपको कैसे अपलोड करना है आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप जो सिग्नेचर जो है 30 KB से 70 KB में आपको बनाना है और आपको जो है पेपर पर आप साइन करना है और वो भी ब्लू पिन से। तो यहाँ पर सारा चीज़ बताया गया है, मेंशन किया गया है। आप फार्म अप्लाई करने लगोगे तो वहाँ पर मेंशन किया गया, वहां पर बताया गया है, वहां से आप देख पाओगे। और आपको जो है फोटो और सिग्नेचर को कैसे रिसर्च करना है घर बैठे मोबाइल फोन से, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट हम बताने वाले हैं। और आप जो है अपना फोटो और सिग्नेचर घर बैठे मोबाइल से ही अपलोड कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम फोटो की बैकग्राउंड चेंज करना आपको बताते हैं। तो सर्वप्रथम मोबाइल स्क्रीन में आना, गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है, आपको रिमूव PG डाल के सर्च कर लेना है। यहां से आप बैकग्राउंड अपना व्हाइट कर पाओगे। तो यहां से आओगे, इस सर्च करोगे तो रिमूव PG गूगल क्रोम ब्राउजर में, उसके बाद आपको अपनी फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको जो है आपको बैकग्राउंड अपना चेंज करने के लिए यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका बैकग्राउंड जो है बहुत सारे बैकग्राउंड ओपन हो जाएंगे। बैकग्राउंड ओपन होने के बाद आप जो है अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेना। कलर में आओगे, यहाँ आपको फोटो और कलर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। व्हाइट सेलेक्ट करने के बाद आप जो है इस फोटो को डाउनलोड कर लेना है। तो आसानी से 2 से 3 मिनट में आप आसानी से अपना बैकग्राउंड चेंज कर पाओगे और रिसाइज कर पाओगे। तो यहाँ से हमने जो है अपना बैकग्राउंड चेंज कर लिया है, हम फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप जो है इसे ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका बैकग्राउंड जो है चेंज हो गया है। बैकग्राउंड चेंज होने के बाद अब आपको जो है अपनी फोटो को रिसाइज करना है, जो 30 KB से 70 KB के बीच में बनाना है, वो भी गूगल क्रोम ब्राउजर से आप बना सकते हो। तो आप जो है यम रिसाइजर डाल के सर्च करना है, यहाँ पर यम रिसाइजर की ऑप्शन साइट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो है अपनी फोटो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने बैकग्राउंड चेंज किया है फोटो का वही आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद भाई यहां पर आपको जो है मेंशन किया गया है कि आपका जो है इमेज का जो है आप हाइट और विड्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जो है आसानी से कुछ इस प्रकार से फोटो अपना रिसाइज कर लेना है। तो यहाँ आपको रिसाइज करने के लिए आपको यहाँ आपको विड्थ सेट करना है, हाइट सेट करना है, इंच में सेलेक्ट कर लेना है, वो भी JPG या PNG में आप जो भी बनाना चाहते हैं। तो JPG में आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, तो आपको जो है JPG में आपको जो है फ़ोटो बना लेना है। बनाने के लिए आप जो है अपना फ़ोटो की साइज़ जो रखना है आपको 30 KB से 70 KB के बीच में रखना है। अगर आप रेलवे NTPC का फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें आसानी से यहां अपलोड हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से आप अपना फॉर्म में फोटो अपलोड कर पाओगे, वो भी मोबाइल फोन से। तो यहां से सारा चीज सेलेक्ट कर लेना है, आप MM में सेलेक्ट करना है और JPG सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहां नीचे आओगे तो यहां पर कितने आपको कितना साइज चाहिए, कितना KB में आपको बनाना है। तो यहां पर रेलवे में जो भी फॉर्म अप्लाई करोगे उसमें 30 से 70 KB के बीच में आपको फोटो अपलोड करना है। तो 30 से 70 KB के बीच में आपको जो है अपना सेलेक्ट कर लेना है, वो भी KB में सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपकी फोटो आसानी से जो है रिसाइज हो जाए और आप आसानी से अपना अपलोड कर पाओगे। तो यहां से सारा चीज सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो है आसानी से 30 KB से 70 KB के बीच में सेलेक्ट करने के बाद आसानी से यहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। यहां से आप आसानी से अपना फ़ोटो जो है यहां नेक्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर जो है क्लिक करके जो है अपनी फ़ोटो जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आसानी से आप जो है रेलवे की जो वैकेंसी आई है इसके लिए फॉर्म फिल करोगे तो आसानी से यहाँ फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से रिसर्च करके फ़ोटो अपलोड कर पाओगे कुछ इसी प्रकार से घर